गाजा में युद्ध के बीच ईरान में हमास को सबसे बड़ा झटका लगा है, जिसे शायद हमास कभी भूल नहीं पाएगा। या यूं कहें कि इस घटना से इजराइल और हमास युद्ध के बीच एक नया इतिहास लिखा जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के मुखिया इस्माइल यानेह की हत्या की, जिनकी ईरान की राजधानी तेहरान में एक हवाई हमले में मौत हो गई है। हानि ये के साथ उनका एक बॉडीगार्ड भी मारा गया है। बड़ी बात यह है कि ईरान और हमास दोनों ने ही इस हमले का आरोप सीधा इजराइल पर लगाया है, और ईरान की राजधानी तेहरान में हानिये की हत्या के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने इस घटना के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक बुलाई थी, जो उनके घर पर हुई है। आमतौर पर सुरक्षा परिषद की बैठक असाधारण हालातों में बुलाई जाती है, और इस बैठक के बाद आयतुल्ला अली खामनेई ने एक बहुत बड़ा ट्वीट कर दिया है, जिससे मिडिल ईस्ट में एक भयंकर युद्ध छिड़ सकता है। दरअसल खामनेई ने अपने ट्वीट में लिखा कि इस्लामिक गणराज्य की सीमाओं के भीतर घटित इस कटु दुखद घटना के बाद बदला लेना हमारा कर्तव्य है। आपको बता दें कि हानिये की हत्या के बाद अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ईरान सीधे इसराइल पर हमला न कर दे। और इस सब के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है, वो ये कि लेबनानी न्यूज एजेंसी अलमायादीन ने एक ईरानी सूत्र के हवाले से कहा है कि हानिये की हत्या में जो मिसाइल दागी गई थी, वो ईरान के भीतर से नहीं बल्कि किसी अन्य देश से दागी गई थी। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस ने कहा है कि हमास ने हानिये की हत्या का आरोप सीधे इसराइल पर लगाया है। हमास का कहना है कि हानिये की मौत इजरायली एयर स्ट्राइक में हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि 30 जुलाई 2024 को हानिये ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान हिजबुल्ला के कई अधिकारी भी इस समारोह में आए थे, और इस समारोह के बाद ही 30 और 31 जुलाई की आधी रात को तेहरान में उनके आवास पर एक मिसाइल आकर गिरती है। सूत्रों की माने तो तेहरान में हानिये एक विशेष सैन्य आवास में ठहरे हुए थे, और अब ऐसा माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह से ही पीछे पीछे मौत का साया हानिये के ऊपर मंडरा रहा था, जो उन्हें आधी रात में लील गया। वहीं दूसरी तरफ ईरानी सेना का कहना है कि वो इस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है, और अभी तक उसे ये नहीं पता चला है कि आखिर ये हमला हुआ कैसे। वहीं ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी का कहना है कि हानिये उत्तरी तेहरान में युद्ध के बड़े अधिकारियों के लिए बनाए गए एक विशेष आवास में ठहरे हुए थे, और इसी घर पर आसमान से एक मिसाइल आकर गिरती है, जिसमें उनकी मौत हो जाती है।